हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जन्माष्टमी के बाद छठी मनाना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं तो आपको छठी भी मनानी चाहिए। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है उसकी छठी मनाई जाती है, ऐसी कृष्ण जी की भी छठी मनानी चाहिए घर में। तो छठी कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? जिस दिन कान्हा जी की जन्म होता है उसके 6 दिन बाद ही छठी मनाई जाती है। उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए, कृष्ण जी का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख के तरफ से स्नान कराएं, ध्यान रखें पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित माना जाता है, तो आपको ये विशेष कर ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही शुरू हो जाती है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए ही होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के 6 दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के 6ठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कड़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं, और कड़ी चावल के अतिरिक्त आप पंचमेवा रखना चाहें या पकौड़ी, तरह तरह की कोई 56 तरह के भोग भी बनाता है वो आपकी श्रद्धा है, नहीं तो कड़ी चावल तो अनिवार्य ही होते हैं। तो अनिवार्य जो चीज़ है वो है कड़ी चावल से आप छठी मनाइए। इस दिन लोग घरों में कड़ी चावल बनाते हैं और कृष्ण जी की छठी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उनके लिए खिलौने लेके आते हैं, उन्हें बहुत तरह से मनाते हैं। कृष्ण जी की छठी की विधि बताती हूँ मैं अब आपको। जिस दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी से स्नान कर लीजिए आप, और सुंदर से साफ से वस्त्र पहन लीजिए, और कृष्ण जी को पसंदीदा जो उनका चरणामृत होता है, पंचामृत होता है, उससे आपको स्नान कराना है। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, वो आपकी तरफ ही होना चाहिए, और पीठ की तरफ से आपको बिल्कुल भी स्नान नहीं कराना है। फिर शंख से गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार भी करा जाता है, काजल का टीका लगाया जाता है, और फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का तो भोग जरूरी लगाया जाता है, जन्माष्टमी पर भी लगाया जाता है, और वो आप इनको उस पर भी लगाएं छठी पर भी। अगर आप लगाना चाहें तो आप पूरे हफ्ते उन्हें माखन मिश्री, उन्हें बहुत ही प्रिय है, उन्हें खिलाते रहना चाहिए, बहुत खुश होते हैं वो। कृष्ण जी के नामों में से एक नाम से आप नामकरण कर दीजिए, जौन से कृष्ण जी के नाम है उनमें से आप चुन लीजिए कि आप अपने कान्हा को क्या बोलना चाहेंगे, तो वो हो जाता है उनका नामकरण। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करिए, कहते हैं ऐसा करने से घर में धन भंडार बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण जी का जन्म जो हुआ था मामा कंस के कारागार में हुआ था, और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इनकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था उन्होंने। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे थे उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण जी ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया। इसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। तो ये भी मान्यता है कि इस तरह से आप छठी मनाएं, और मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको छठी की कहानी सुनाऊंगी जो छठी पर सुनते हैं। और उस शाम को जिस दिन आप छठी मनाएं उस दिन भजन संध्या जैसे करते हैं, बच्चा होता है भजन संध्या होती है, इसमें भजन संध्या चलेगी, उसमें चलते हैं गीत, तो आप ये चीज़ें करना ना भूलें। भजन संध्या करें आप अपने आप ही बैठ कर करें, चाहे कोई नहीं है तो पास में थोड़े से भजन गाइए, और उस दिन ईश्वर द्वेष आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा स्मरण भगवान का करना है, ओम नमो भगवता वासुदेवाय का जाप करना है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी, दूसरों को भोजन कराना है,
छठी वाले दिन और गाय की सेवा करनी है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंबजनों को प्रसाद भी वितरण करना है। मांस मदिरा प्याज लहसुन बिल्कुल भी आप इसका यूज ना करें। माता पिता बुजुर्गों की सेवा का संकल्प भी ले। घर में किसी को भी खाली हाथ ना जाने दे। कोई जा रहा है या आ रहा है कोई मेहमान आपके, उसे खाली हाथ ना जाने दे, कुछ ना कुछ उसे दे। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं और छोटे छोटे खिलौने उन्हें जरूर अर्पित करें और भक्ति भाव से मनाएं। आप छठी बहुत अच्छा माना जाता है, जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं वहां छठी की परंपरा जरूर निभाई जाती है। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो भी मिलती रहें। और छठी की कहानी की कथा जुड़ी है उसकी भी मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, उसे भी आप मेरे उस चैनल पर देख सकते हैं। तो सबको धन्यवाद और राधे राधे।